नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सीएम आवास चंडीगढ़ में छात्रा द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास का मामला, राहुल बेनीवाल के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज। महिला थाना में छात्रा के पिता जसवीर सिंह की शिकायत पर हुआ मामला दर्ज। 10 अन्य व्यक्तियों का अपहरण व आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज। आप देख रहे हैं अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में गत मंगलवार शाम हरियाणा सीएम आवास के बाहर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास करने वाली छात्रा के मामले में नया मोड़ आया है। छात्रा के पिता ने राहुल बेनीवाल के खिलाफ धारा 376 के तहत उसकी बेटी के साथ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया है। इसके अलावा 10 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अपहरण व साजिश करने का आरोप लगा है, वह मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पहले फतेहाबाद में 0 FIR दर्ज की गई है। रेप की घटना के स्थान सिरसा में होने की वजह से फतेहाबाद पुलिस ने यह मामला सिरसा महिला थाने में भेज दिया है। युवती के पिता का आरोप है कि सिरसा में राहुल बेनीवाल ने उसकी बेटी के साथ रेप किया था। इस मामले में राहुल सहित कुल 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिनमें फतेहाबाद जिला के गांव ठुइयावासी निवासी राहुल के पिता विनोद बेनीवाल व अन्य परिवार के सदस्य शामिल हैं। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं DSP साधुराम ने इस मामले में जानकारी देते हुए क्या कहा, जानिए इस वीडियो में। ये लड़की के पिता जसवीर के बयान पे राहुल और उसके परिवार और 11 लोगों के खिलाफ नामजद FIR महिला थाना में दर्ज हुई है। इसमें लड़की के बयान नहीं हुए हैं, उसके पिता से फोन पर संपर्क किया गया, जिसने बताया कि एक दो दिन में लड़की ठीक हो जाएगी तो बयान हो जाएंगे। लड़की के बयान हो जाएंगे उधर मेडिकल करवा देंगे, जो जगह बताएगी जगह की वो निशानदेही करेंगे, वहाँ नक्शा मौका वगैरह तो करेंगे तैयार, और 33 आइंदा जो आगे जो फतह 33 बनेगी वो उम्र में लाई जाएगी।